स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, पता चलता है कि बच्चा आए हुए नहीं किया गया। 20 साल से कम हम लोग झेल रहे हैं इतना तकलीफ। खुदाई जो की बंद बिछाई है उसमें पूरा एकदम मट्टी है, जैसे तैसे सब सब पीछा सब भरा हुआ है, जिससे पार होते हैं बच्चा लोग भी पार होता है। बिहार शरीफ शहर के बड़ी पहाड़ी वार्ड नंबर 20 में मांगा कुआं से लेकर शिवालय तक का इलाका आज एक जीवंत नरक बन चुका है। यहां की दयनीय स्थिति ने हजारों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नाला निर्माण और ढलाई के अधूरे कार्यों ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है, जिससे लगभग 200 घर सीधे प्रभावित हैं। स्थानीय निवासियों ने अपनी व्यथा बयां करते हुए बताया कि बरसात के मौसम में घर से निकलना तो दूर, घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। 20 वर्षों से चली आ रही यह समस्या अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। पिछले 7 वर्षों से केवल निरीक्षण का नाटक चल रहा है, जबकि विकास कार्य शून्य पर अटका हुआ है। मोहल्ले वासियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि अब तो घरों के बर्तनों में सांप तक निकलने लगे हैं। इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि इस जलजमाव में अब तक 3 मासूम बच्चे डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ फोटो खींचकर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग इस समस्या से निजात दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करते हैं। गुस्साए मोहल्लेवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि नगर निगम की महापौर अनीता देवी ने समस्या के समाधान के लिए 1.5 साल का समय मांगा है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि यह आश्वासन लिखित में दिया जाए। स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, पता चलता है कि बच्चा आए हुए नहीं किया घर। रात में कोई बीमार पड़ा है, जाता है। 20 साल से कम हम लोग झेल रहे हैं इतना तकलीफ है। बार बार आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग अभी भी मांगते हैं कि पाइप खुदवा के नाला निर्माण कीजिए और उस पर रोड बनाइए, बस इतने ही मांग रहे हैं। तो क्या कुछ बोला गया उनके ओर से? बोले कि 1.5 साल के टाइम लिए हम, कि नहीं आप लिखित दीजिए हमको कि 1.5 साल में होगा कि नहीं होगा। बार बार साल भर 1.5 साल बार बार लिखित आप लोग देते हैं और कुछ होता ही नहीं है। देखने के लिए नहीं कुछ, हम लोग हमको छठ पर्व के दिन है, पार्वती लोग कैसे इतना पानी में डूब खेल के जाती है। मैम के कहना है खाली वो सुन लेते हैं। ऊंचे अधिकारी के घेराव कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम रीता देवी है। जो ना मंगा कुआ में जो गली गया है उसको बंद से खुदाई जो की बंद बिछाई है उसमें पूरा एकदम मट्टी है, जैसे तैसे उसको पानी ढेर कर दिया है। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं, वहाँ पर से नीचे तक पूरा पानी या कुंभी भरा हुआ, सब कचरा कचरा सब पीछा सब भरा हुआ। उसी से हम लोग आते हैं और जाते हैं। एक पुल बिछा है जिससे पार होते हैं, बच्चा लोग भी पार होता है। वो पुल कहिया गया है तो पूरी तरह से वो पुल पर जो भी बूढ़ी या बुजुर्ग जाती है या बच्चा गिर के ही आती है या जाती है, हजारों आदमी वहाँ से पार होता है डेली के डेली। ऊंचे अधिकारी का घेराव करें और उसी बीच में आपका कार्य हो सकता है। हमसे जितना संभव है उतना मैंने प्रयत्न किया हूँ और आगे करता रहूंगा, बस यही। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम हुआ।